वरवरा राव, अरुण फरेरा, वेरनॉन गोंजाल्वेस, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, इन पांच चेहरों के चाहने वाले इन्हें कितना भी महान बताते रहें, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस अपनी बात पर अड़ी है कि ये बुद्धिजीवी हों, मानवाधिकार कार्यकर्ता हों या कुछ भी हों, लेकिन सबूत मिले हैं इनके नक्सलियों के साथ कनेक्शन के। सुप्रीम कोर्ट में 21 पेज का हलफनामा और 29 पॉइंट में एक एक बात महाराष्ट्र पुलिस ने खुल कर की है। हलफनामे में लिखा गया है कि इन पांच आरोपियों को इसलिए नहीं गिरफ्तार किया गया कि किसी के विरोध में ये बोलते हैं। इन पांच आरोपियों को इसलिए नहीं गिरफ्तार किया गया कि इनके राजनीतिक विचार अलग हैं। इनको गिरफ्तार किया गया था 8 जनवरी को दर्ज FIR के बाद हुई कड़ी जांच के बाद। इनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले और उसके सबूत जांच में पाए गए हैं। आज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने एफिडेविट फाइल किया है। एफिडेविट में बेसिकली दो दलीलें हैं। एक ये है मेंटेनेबिलिटी, यानी पिटीशन ही यहाँ पे मेंटेनेबल नहीं है। जो अक्यूज लोग थे उन्होंने आके यहाँ पे पिटीशन फाइल करनी थी। जो पांच लोग आ चुके हैं उनको लोकस नहीं है, ये एक ग्राउंड है। दूसरा ये है कि सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी के पास, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ मैंने ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो आगे के लिए यानी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए ये बहुत मुश्किल होगा, इसलिए ये पिटीशन खारिज की जाए, ऐसा हमारा एफिडेविट है। आपने उसमें बहुत पुख्ता सबूत की भी बात की है कि सबूत है इनके खिलाफ। हाँ, सबूत तो है सारे इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी के साथ है, बट अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते उसे। अगर कोर्ट कहेगी तो कोर्ट को हम देंगे। महाराष्ट्र पुलिस पहले दिन से यही कह रही है कि उसने सबूत के आधार पर ही इन लोगों को हाथ लगाया है। जिस तरह इनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए इनके चाहने वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, उसमें ये बात बार बार कही जा रही है कि आरोपियों के विचार सरकार विरोधी हैं, इसलिए सरकार इन्हें कुचलने में और बदला निकालने में लगी है। लेकिन पुलिस का हलफनामा तो अलग ही बात कह रहा है। इसमें महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि रिकॉर्ड में आए सबूत बता रहे हैं कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन CPI माओवादी के सदस्य हैं। आरोपी न सिर्फ हिंसा की योजना बनाने में लगे थे बल्कि बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश में जुटे थे। इसमें सार्वजनिक संपत्ति की तबाही से लेकर समाज में अराजकता का माहौल बनाने वाले एजेंडे पर काम हो रहा था। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो एफिडेविट हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है उसमें जो उन्होंने कहा है वो तो सरकार के बाजू से समर्थन किया गया है। एक तरफ सनातन के लोग गोलियां मार रहे हैं, एक तरफ ATS जाके कोर्ट में बता रही है कि और चार लोगों को मारने का प्लानिंग हो चुका था, एक तरह की घबराहट इस क्षेत्र में, तो दूसरी तरफ यहाँ के जो दानेश्वर है, जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल तबका है, उनको नक्सल कह के बदनाम करने का एक साजिश यहाँ पे रची गई है। यही नहीं तो कुछ नेताओं के फ़ोन नंबर उनके लेटर में लिखे हुए हैं, ऐसा कह के नेताओं को भी डराने का काम शुरू हो गया। एक डर का माहौल ना ही महाराष्ट्र में पर पूरे देश में तैयार करने का काम ये सरकार कर रही है, ताकि उनके खिलाफ जो आवाज़ निकल रही है उसको दबाने का काम ये सरकार करना चाहती है। यानी पुलिस के दावे को माने तो जिन्हें बुद्धिजीवी और मानवाधिकार कार्यकर्ता कहा जा रहा है वो इतने भी भोले नहीं हैं, इतने भी बेचारे नहीं हैं, और ना ही इसमें विरोध की आवाज को चलने वाली बात है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने हलफनामे में साफ साफ कहा है कि पांचों आरोपियों में कुछ आरोपियों के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं और ये जेल भी जा चुके हैं। पुलिस ने अपनी जाँच में पूरी पारदर्शिता बरती है, सिर्फ विरोध की वजह से किसी को नहीं गिरफ्तार किया गया। जिन आरोपियों को जून में पकड़ा गया था और जिन्हें अब पकड़ा गया उन पर छापेमारी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड से ऐसी बातें सामने आई हैं जो होश उड़ा देने वाली हैं। इन सबूतों से साफ दिखता है कि आरोपी खतरनाक साजिश में लगे थे और ऐसा अपराध करने की प्रक्रिया में थे। पूरी तैयारी से पुलिस सुप्रीम कोर्ट के सामने गई है और अगर सुप्रीम कोर्ट मांगता है तो ज़रूर वो जितने भी सबूत है, जितने भी कागजात है, जितने भी हार्ड डिस्क है, जो भी है वो ज़रूर पेश करेंगे। एक और पॉइंट है जिसके ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिन लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है या अरेस्ट करना चाहते थे वो सब लोग जो है इस घातपात की कार्रवाई में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनका जो रोल है, उनका जो काम है वो बड़ा महत्वपूर्ण था। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का अगर सबूत पुलिस के पास है तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना लाजमी है।
महाराष्ट्र पुलिस ने पॉइंट टू पॉइंट हलफनामे में इन आरोपियों का सच सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, लेकिन सवाल ये है कि ये सबूत और ये बातें सुप्रीम कोर्ट अपने इंसाफ के तराजू में कितना वजनदार समझेगा। इसी पर इन आरोपियों का बचना या जेल जाना टिका है। आज सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश की नजर होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।